दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। ये मनाजिर इंडिया में कोविड की सूरत हाल की दास्तान सुना रहे हैं। वायरस की पहली लहर से लेकर केसेस में कमी तक, और अब जबकि माहरीन के बकौल इंडिया बहुत ख़तरनाक दूसरी लहर की जद में है, इंडिया में कोरोना के योमिया केसेस की तादाद 3.5 लाख से तजावज़ कर गई है। इंडिया इस सूरत हाल तक कैसे पहुंचा? गुज़िश्ता बरस मार्च और नवंबर के दरमियान मुतअद्दिद अस्पताल कोरोना के केसेस में इजाफे से निबटते रहे। कारोबार और बाजार खोल दिए गए थे और लोगों ने सफ़र भी खूब किया। क्लब्स, मॉल्स और जिम भी लोगों से भरे रहे। होली का त्यौहार मनाया गया और कुंभ के मेले का इनेकाद भी हुआ। इस दौरान हुकूमत ने सामाजिक फासले और मास्क को तर्क कर दिया, और अब डॉक्टरों का कहना है कि इन गलतियों का खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पेश खिदमत है डॉक्टर श्रुति सिन्हा का इंटरव्यू। आप अस्पताल पहुंचते हैं जहां पहले से ही अफरा तफरी है। मरीज की ऑक्सीजन की सतह गिर रही है, वो वेंटिलेटर पर है, साथ ही आपके जूनियर डॉक्टर आपको आईसीयू में बुला रहे हैं। कोविड के आईसीयू में तो और भी ज़्यादा हंगामी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जब वबा अपने अरूज पर है। गुज़िश्ता बरस हालात इतने ख़राब नहीं थे। मुख्तलिफ इंडियन शहरों में निज़ाम सेहत शदीद दबाव में है। ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात, आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें मुल्क भर से आ रही हैं, लेकिन सड़कों पर अब भी ऐसे मनाजिर हैं जैसे कोविड से कोई ख़तरा दरपेश नहीं। हिफाजती इकदामात पर भी लापरवाही से अमल हो रहा है। चंद माहिरीन का ख्याल है कि नई ख़तरनाक लहर का सबक वायरस की नई म्यूटेंट किस्म है, जबकि इंडियन हुकूमत ने केसेस में इजाफे का सबब नई किस्म को नहीं बताया है। माहिरीन का ख्याल है कि वक्त बहुत कम है, इंडिया को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फौरी इकदाम करने होंगे। मुल्क भर में अब तक तकरीबन 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है। चंद माहिरीन का ख्याल है कि लॉकडाउन भी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इंडिया में लॉकडाउन आसान रास्ता नहीं है जैसा कि पिछले साल देखा गया था। गुज़िश्ता बरस की तरह सख्त लॉकडाउन से लाखों अफराद रातों रात बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन हालात इस नहज तक पहुँचे कैसे? इन हालात में हिम्मत टूट जाती है। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 20 बरस के तजुर्बे के बाद भी मौत का सामना हर बार तकलीफ दे होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।